नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम आज भी ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके समर्थन के बिना हम कुछ भी नहीं है। इसलिए मजबूती से आवाज को उठाने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। चोलापुर विकास खंड के ग्राम सभा रूपचंदपुर में बने अस्थायी गौशाला में सही देखभाल न होने से आए दिन मर रहे हैं रूपचंदपुर गौवंश। एक बार फिर सुर्खियों में नजर आए रूपचंदपुर गौशाला की कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो। जब संवाददाता ने चोलापुर प्रमुख डॉक्टर त्रिपाठी को फोन किया तो उनका कहना है कि हम सेक्रेटरी से बात करते हैं, मौके पर ना ही वहां पर केयर टेकर दिखा। सेक्रेटरी का कहना है कि प्रधान बहुत दबंग है और गौशाला का पूरा कार्यभार भी वह अपने ही हाथों में रखते। जहां एक तरफ हम चोलापुर ब्लॉक की बात करें तो बड़े अधिकारी भी गौशाला पर ध्यान नहीं देते हैं और न ही मौके पर समय से डॉक्टर उपलब्ध हो पाते हैं, जिस कारण आए दिन गोवंश अपनी स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वह मर जाते। जहां एक तरफ योगी सरकार गोवंश को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, वहीं एक तरफ गौशाला के देखरेख करने वाले ही गोवंश के मर जाने के बाद भी कई दिनों तक गौशाला में ही छोड़ देते हैं। न ही इसका ख्याल ग्राम सचिव को है और न ही इसका ख्याल केयर टेकर को है। आए दिन गौशाला में मर रही गाय, इसका जिम्मेदार कौन, ग्राम प्रधान या ब्लॉक के आला अधिकारी? रूपचंदपुर ग्राम सभा का यह गौशाला है जहां पर यह गाय मृतक पड़ी हुई है, जो कि ना अभी तक कोई केयर टेकर दिख रहा है। और यहां पे हम साफ तौर से अगर दिखाएं तो यहां पे कुछ खाद्य सामग्री आया हुआ है गौशाला में, पर इन सभी लोगों को का यह कहना है कि केयर टेकर यहां पर नहीं। और बड़े डॉक्टर को भी मैंने कॉल किया है, चोलापुर ब्लॉक के जो डॉक्टर हैं त्रिपाठी जी, मैंने उनको कॉल भी किया है कि गाय मर गई है, पर उन्होंने फोन को रिसीव करना भी उचित नहीं समझा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपकी आवाज बन सके। धन्यवाद।